कल हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को पढ़ा। उससे पिछले लेक्चर में हमने डिराइव यूनिट्स पे बात की और हमने बेस से डिराइव करने का मेथड हमने सीखा। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन। थोड़ा बड़ा लिखना चाहिए, शायद दिखने में प्रॉब्लम ना हो आपको। फेकी नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। बेटा ये नंबर्स को एक्सप्रेस करने का एक तरीका कार है। साइंटिफिक नोटेशन को आपने फर्स्ट ईयर नाइन्थ में पढ़ा था मैथ में, स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन। तो बेटा हमारे पास जब हम फिजिक्स में हम ये कहते हैं फिजिक्स बेस करती है किस पे बेटा, मेजरमेंट पे। फिजिक्स बेस करती है मेजरमेंट पे। जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, तो बेटा उस मेजर्ड क्वांटिटी का कोई ना कोई रिजल्ट आता है। बाज मेजरमेंट बहुत छोटी होती है, फॉर एग्जांपल 0.00000415। और बाज क्वांटिटीज, साथ यूनिट भी कोई लिख देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल हमने ये किसी चीज की लेंथ देख लिया, मीटर लिख देता हूं यूनिट। मीटर जरूरी नहीं है, केजी हो सकता है, सेकंड, जो क्वांटिटी मेजर करेंगे। या कुछ क्वांटिटीज बहुत बड़ी होती है, फॉर एग्जांपल 8, 4, 5, 0, 0, 0, 9, 2, 0, 0 meters। अब ये बहुत छोटी क्वांटिटी के को लिखने के लिए भी बहुत ज्यादा नंबर्स हमें यहाँ पे हमारे सामने लिखने पड़े, हमें याद करने पड़े। और बड़ी क्वांटिटीज के लिए भी बहुत बड़े नंबर्स हमने, बहुत ज्यादा तादाद में नंबर्स को हमने, इन्हीं नंबर्स को अगर इसी वैल्यू को, इसी क्वांटिटी के, इस मेजरमेंट के रिजल्ट को हम अगर शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें, पावर ऑफ 10 यूज करके लिखना चाहें, तो बेटा वो क्या कहलाते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहलाते। यानी हम इसी को पावर ऑफ 10 यूज करके लिखना चाहें तो वो कहलाती है साइंटिफिक नोटेशन कहलाती। बेटा एक बच्चे ने वीडियो ऑन की है आपका, दे नाम क्या इसका, रोबीना। बेटा वीडियो ऑफ करो अपनी। अच्छा तो बेटा अब इस नंबर को जरा पावर ऑफ 10 में कैसे लिखेंगे, जरा गौर से देखें। बेटा पॉइंट यहां पे, पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 जीरो, सातवें नंबर पे नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। सो पॉइंट को हमने शिफ्ट करना है नॉन जीरो डिजिट, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। So, यही चीज यूं लिखी जाएगी, ये पॉइंट यहां जब शिफ्ट होगा तो 4.15। अब कितना पॉइंट शिफ्ट किया, 1 यहां से शिफ्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 रेज टू पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये -7 meters आ जाएगा। अब ये जो 10 की पावर में इतनी लंबी चौड़ी, इतने लंबे चौड़े डिजिट के कॉम्बिनेशन को आपने लिखा शॉर्टकट करके,
इसको आप क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह यहां पे अगर लिखना चाहें इसको, यहां बेटा पॉइंट यहां होगा, अंडरस्टूड है, आखिरी डिजिट के बाद पॉइंट। सो इस पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे नॉन जीरो डिजिट पॉइंट से, पहले एक बचना चाहिए यहां काफी सारे, जहां एट आ रहा है यहां शिफ्ट करेंगे। सो 8.45 × 10 कितना पॉइंट शिफ्ट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 10^9 meters। सो ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग पावर ऑफ 10। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन विच यूज पावर ऑफ 10। डेफिनेशन खैर मिल जाएगी बुक में। नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय यूजिंग पावर ऑफ 10 इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। तो बच्चों साइंटिफिक नोटेशन फिर क्या हुई, पावर ऑफ 10 को यूज करके नंबर्स को एक्सप्रेस करना, इस फॉर्म में इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। अब बच्चों साइंटिफिक नोटेशन के लिए मेथड क्या है कि कहीं भी पॉइंट है शिफ्ट करो उसको इस तरह से कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट हो। सो यहां पे पॉइंट इधर शिफ्ट, जब पॉइंट को टुवर्ड राइट शिफ्ट करो तो पावर माइनस में आएगी, जितना पॉइंट शिफ्ट किया इतने टाइम माइनस आए। और पॉइंट को टुवर्ड लेफ्ट जब शिफ्ट करोगे, लेफ्ट शिफ्ट करते हुए पावर पॉजिटिव आएगी, कितनी पावर पॉजिटिव आएगी, जितना पॉइंट आपने शिफ्ट किया। अब बेटा ये आपने तीसरी या चौथी क्लास में, थर्ड या फोर्थ में पड़ा होगा पॉइंट की शिफ्टिंग का सिलसिला। अब राइट शिफ्ट करने से नेगेटिव क्यों आता है, फॉर एग्जांपल आपने पॉइंट खत्म करने का तरीका कार पड़ा होगा, ये था हमारे पास लेट से 0.001। इस पॉइंट को खत्म करने के लिए आप क्या करते थे, आप ये करते थे डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह वन, आगे आपने 3 times शिफ्ट किया तो 3 0 लगा दो। ये तीसरी या चौथी क्लास में हमने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा बेटा 1, तो 1000 को लिखते हैं 10^3। 10^3 जब ऊपर जाता है तो क्या बन जाता है, माइनस। अब पॉइंट 3 times शिफ्ट किया है तो डिवाइड बाई 1000 करें। और इसी तरह आपके पास 1000 हो तो पॉइंट को अगर 3 times इधर शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 1000 से करेंगे। बेटा इस तरह से खैर इस चक्कर में अगर ना भी पढ़े तो ये भी ठीक है, समझ आ चुकी होगी। लॉजिक देना चाहता हूं कि पॉइंट को राइट शिफ्ट करना है तो डिवाइडेड बाय करना पड़ता है 1000 से, 1 lakh से, 100 से, जितना पॉइंट शिफ्ट करना है। और इधर करना है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का जब आप लिखते हैं तो बेटा 10 की पावर पॉजिटिव आती है, और डिवाइड का जब पॉजिटिव ऊपर ले जाते हैं, नेगेटिव 10^3 अगर ऊपर गया तो 10^-3 हो। खैर ये वाली बात बहुत आसान थी और अर्ली स्कूल में आपने पढ़ लिया था, इन शॉर्ट यहाँ पे ये याद रख ले शॉर्टली कि पॉइंट को जब शिफ्ट करना है टुवर्ड राइट शिफ्ट करना है तो नेगेटिव, टुवर्ड लेफ्ट शिफ्ट करना है तो पॉजिटिव पावर आएगी। और दूसरी बात यह है कि पॉइंट को शिफ्ट कहां करना है, पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। सो ये था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन। कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का है तो पूछ ले। कितने अनसीम साहब, कौन कह रहा है, सुने ना आवाज बेटा, इधर तो नेट ठीक है, आवाज जिसको नहीं आ रही तो उसको नेट चेक करे अपना, कौन है आवाज ठीक नहीं है, इनसे तुझे में कर दे।
बेटा कोई क्वेश्चन है पूछ लें। ठीक है, आप पार्टिसिपेंट चेक करें, कोई इस तरह के अननोन नाम से आए वो प्रमोट करें और मैसेज भी चेक करें, फर्द ज्वाइन करें। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। मैं साइंटिफिक नोटेशन वाला ये रब कर देता हूं। बल्कि इससे पहले एक छोटा सा और टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे जाएंगे। प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस क्या होते हैं जरा गौर से देखिएगा। उर्दू में जिस तरह आप सबका और लायका कहते हैं पहले और बाद में, इसी तरह यहां पर प्रीफिक्सेस है। बेटा आप 10 की पावर को शॉर्टकट वर्ड में लिखने के लिए जो तरीकाकार अडॉप्ट करते हैं, जो नाम रखे हो प्रीफिक्सेस। फॉर एग्जांपल बेटा आपके पास सब मल्टीपल ऑफ 10 हम ले लेते हैं, लेट्स से मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं, या 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, सेंटी प्रीफिक्स है 10^-3 के 2 के इक्वल होता है। 10^-2 किसके इक्वल होता है, 1/10^2 कर दें। 10^2 किसके इक्वल होता है, 100 के 1/100 कर दें। बेटा इसका मतलब है जो सेंटी है जिसको हम 10^-2 लिखते हैं, ये 100 का या 10 का सब मल्टीपल। इसी तरह आप किलोमीटर अगर लिखेंगे, मीटर को छोड़ भी दूं लेकिन चले यहां, किलो आपके पास आ जाता है 10^3। 10^3 को आप 1000 लिखते, 1000 क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। सो किलो भी प्रीफिक्स है और सेंटी भी प्रीफिक्स है। सेंटी क्या है, सब मल्टीपल है, डिवाइडेड बाय 100, 10 का सब मल्टीपल है, और किलो क्या है, 10 का मल्टीपल है। तो ये मल्टीपल और सब मल्टीपल ऑफ 10 आर नाउन एज प्रीफिक्सेस। मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10 आर नाउन एज प्रीफिक्सेस। यही सर जी क्या मतलब, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल ऑफ 10 आर नाउन एज प्रीफिक्सेस। तो बेटा प्रीफिक्सेस का टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी होगा, याद करना। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां प्रीफिक्सेस अगर पता है तो यूनिट कन्वर्जन बहुत आसान हो जाती है। और प्रीफिक्सेस में आपके पास ऑटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, डी, सेंटी, डीसी, डेका, किलो, मेगा, गेगा, टेरा, पीटा, हेक्सा, ठीक है। तो ये ढेर सारे प्रीफिक्सेस हैं। ऑटो मीन 10^-2 -18, फेमटो मीन 10^2 -15, इसी तरह पीको मीन 10^2 -12, नैनो मीन 10^2 -9, माइक्रो मीन 10^2 -6, मिली मीन 10^2 -3, सेंटी मीन 10^2 -2, इसी तरह किलो मीन 10^2 +3, इस तरह मेगा मीन 10^2 +6, इसी तरह गेगा 10^2 +9, और उसके बाद तीरा है +12, पीटा +15 और एक्सा +18। बेटा 10^6 का मतलब है 60,
ये आ गया 10^-6 का मतलब है 1/, ये आ गया, ये आपके पास, ये इसी तरह है, ये आ जाता 0.000, ये आ जाता है। कहने का मतलब है माइनस में उतनी छोटी टर्म होती है और प्लस में उतनी बड़ी टर्म होती है। तो इस तरह मतलब जब भी सेंटी लिखा हो उसकी 10^-2 लिख सकते हैं, मेगा लिखा हो 10^+6 लिख सकते हैं उसकी जगह। तो बेटा ये आपने प्रीफिक्सेस, यहां मैंने सेंटीमीटर लिखा, मीटर प्रीफिक्स नहीं है, सेंटी प्रीफिक्स है, और सेंटी जो प्रीफिक्स है वो किस 10 की किसी पावर के इक्वल होगा, किलो जो प्रीफिक्स है वो 10 की किसी पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये नंबर्स हैं, ये वैल्यूज हैं। 10^100, 10^9 का मतलब है, 6 का मतलब 1,000,000 हो गया, 3 का मतलब 1,000 हो गया। इस तरह से ये इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक आसान तरीका प्रीफिक्सेस का भी रखा हुआ है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रीफिक्सेस, जिसमें आपने टेबल याद करना है प्रीफिक्सेस का, टेबल आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रीफिक्सेस के बाद। अच्छा, प्रीफिक्सेस में एमसीक्यूज भी है मेरे पास काफी सारे, वो मैं देखूंगा, अगर पॉसिबल हुआ व्हाट्सएप कर दूंगा 2-4 एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए आपको। इसके बाद हमारे पास है प्रीफिक्सेस के बाद कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। पार्टिसिपेंट चेक करें, इनमें कोई हार्ड बच्चा है तो मैसेज कोई करने वाला है तो करने, ये कौन है वीडियो ऑन करने वाला? अच्छा, इसका कोई मसला है जी? रोबीना बेटा आपका कोई इशू चल रहा है नेट का मेरा ख्याल है, जब ज्वाइन करें भी है जाए तो ज्वाइन करें तो वीडियो ऑफ क्या करें। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, टोटल 8 कन्वेंशंस हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा बच्चे, कन्वेंशंस क्या होती है? जरा कन्वेंशन को आप मुझे डिफाइन नहीं बल्कि इसका मतलब बताएंगे मैसेज करके। कन्वेंशंस क्या होती है? कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स में सबसे पहली बात मुझे ये बताएं कन्वेंशंस क्या होती है। मैं मैसेज आपके पढ़ने के लिए तैयार बैठा हूं, मैसेज कीजिएगा। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट में कन्वेंशंस का क्या मतलब है? कन्वेंशंस बेटा कहते हैं रवाज को, रवायती, रवाज। बेटा एक होता है लॉ कानून और एक होता है रवाज। रवाज को हम कन्वेंशंस कहते हैं। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, यूनिट्स को लिखने का रवाज क्या है फिजिक्स वालों की जुबान? फिजिक्स वालों के यहां यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने का रवाज क्या है? फिजिक्स वालों के यहां यूनिट्स लिखने का तरीका कार क्या है? बेटा जरा बताता चलूं आपको, रवाज और लॉ में फर्क है। मसलन आप डेली लाइफ में अगर आप देखें, जो कानून है उसको आप वायलेट करते हैं तो आप मुजरम होते हैं। आप ये समझ लें कि आपने जुर्म किया होता है और उसके खिलाफ आपके, उसके अगेंस्ट आपके खिलाफ केस चल सकता है और आपको सजा हो सकती है। जो रवाज है उसको ना फॉलो करें कोई जुर्म नहीं होता, अलबत्ता रवाज को फॉलो ना करने से थोड़ा सा आड़ लगता है बंदा, थोड़ा सा सारे लोग ये है कि उसको डिफरेंट नजरों से तो देखते हैं लेकिन जुर्म कोई नहीं होता, उसके खिलाफ सजा कोई सुनाई नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ कोरोना ने बहुत सारे रवाज बदल दिए, बहुत सारी जो रवायतें थी हमारी बदली, तो हमने बदलने कोई मसला नहीं हुआ,
और ला कोई कानून कोरोना ने नहीं बदल सका जो हमारे डेली लाइफ के हैं, अगर वो हम बदल देंगे तो हम जुर्म करेंगे। तो बेटा इसी तरह कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स में यूनिट्स को लिखने का फिजिक्स वालों के यहाँ रवाज क्या है। सो सबसे पहले पहला रवाज जो हम फॉलो करते हैं वो है फुल नेम किसी यूनिट का लिखना पड़े, फुल नेम ऑफ अ यूनिट। किसी भी यूनिट का पूरा नाम लिखें तो कैसे लिखेंगे आप? मसलन किसी यूनिट का पूरा नाम है मीटर या मीटर, यानी पहला लेटर कैपिटल रखेंगे या पहला लेटर स्मॉल रखेंगे? मसलन कूलम चार्ज की यूनिट है बेटा कूलम, या पहला लेटर बी स्मॉल रखेंगे कूलम। फॉर एग्जांपल सेकंड तो कैसे लिखेंगे किसी यूनिट को फुल नेम? मैसेज चेकर्स फुल नेम लिखना हो तो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे ऐसे लिखेंगे यूनिट्स को, या पहला लेटर स्मॉल लिखेंगे ऐसे लिखेंगे यूनिट्स को? क्या रवाज है फिजिक्स वालों के यहाँ? तो पहले मैं पूछना चाहूंगा आप बताएं क्या रवाज है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा स्मॉल होगा? जी बच्चों किसने किया ये? तो जी बेटा ऐसे नहीं लिखते, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होता बल्कि फर्स्ट लेटर बी स्मॉल होता है, जबकि आपके अंग्रेजी दान ये कहते हैं कि जनाब फर्स्ट लेटर किसी भी नाम का स्मॉल कैपिटल होता है। हम के अगेंस्ट, हम फिजिक्स वाले थोड़े बागी हैं, हम उसके अगेंस्ट फर्स्ट लेटर को स्मॉल से लिखते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता कैपिटल लिखा हुआ। अब यहाँ इंग्लिश वाला कोई सुन रहा हो तो कहेगा ये क्या पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ये कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है जबकि ये स्मॉल पढ़ा रहे हैं। तो हम फिजिक्स वालों को ये अच्छा नहीं लगता ऐसे बड़ा बड़ा लिखा हुआ, हम बराबर बराबर लिखना अच्छा लगता है हमें। तो फर्स्ट लेटर भी हमारा क्या होता है? तो फर्स्ट कन्वेंशन पहला रवाज यूनिट के बारे में आपने पढ़ा कि जब भी यूनिट का फुल नाम लिखना पड़े तो फर्स्ट लेटर क्या करना है आपने? स्मॉल लिखना है, कैपिटल नहीं लिखना। यहाँ राजा नसीम साहब एम इंग्लिश कर रहे हैं तो ये इनके माथे में वट पड़ चुका है ये सुन के कि सर ये क्या है, ये तो जनाब हमारी इंग्लिश की जनाब दजियां बखेर रहे हैं आप, ये देख के ये फील कर रहे हैं काफी। अच्छा जी सेकंड पार्ट है हमारे पास, साथ साथ जवाब भी दीजिएगा। अगर हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, सर चेक करना मैसेज कोई आर्ड ना करे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है, अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है, किसी का माइक तो नहीं आ रही, भी चेक कर लेना, आपने किसी यूनिट की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करनी है कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल यही मीटर है, सिंबल कैपिटल लिखेंगे या सिंबल स्मॉल लिखेंगे? यही कूलम है, सिंबल कैपिटल लिखेंगे या सिंबल स्मॉल लिखेंगे? यही सेकंड है, सिंबल कैपिटल लिखेंगे सिंबल स्मॉल लिखेंगे, यानी स्मॉल लेटर से लिखेंगे या कैपिटल से लिखेंगे? जी मेरे बच्चों सब स्मॉल कह रहे हो, पुत्रो यहां भूल चुके हो आप है? इसी तरह अंपेयर कैपिटल लिखेंगे या अंपेयर स्मॉल लिखेंगे, आप बताओ बेटा, बताओ जल्दी करो जरा, स्मॉल कैपिटल। अच्छा कैपिटल वालों से ये पूछना चाहता हूं क्या मीटर ऐसे लिखते हैं ऐसे, स्मॉल वालों से ये पूछना चाहता हूं
कि अंपेयर ऐसे लिखते हैं ऐसे लिखते हैं। अब आया ना मजा, कैपिटल वाले ये बताएं जो कैपिटल जवाब दे रहे हैं क्या मीटर ऐसे लिखते हैं? नहीं 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 भरने की जरूरत, मैं आ रहा हूं। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको सेटिंग, थोड़ा सा नीचे कर दें इसको क्योंकि ऊपर इतना लिखा नहीं जाता मुझसे। क्या किसने लिखा है पुत्रों? जो कैपिटल कह रहे हैं वो बताएं मीटर कैसे लिखते हैं, जो स्मॉल कह रहे हैं वो बताएं एम्पेयर कैसे लिखते हैं। बेटा सुनो फिर बाद इसका जवाब सुनो। जवाब ये है कि जो यूनिट साइंस, बल्कि एक और एग्जांपल, न्यूटन ऐसे लिखते हैं या न्यूटन ऐसे लिखते हैं? तो बच्चों जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम की हैं उनकी सिंबल कैपिटल